नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हमसे सी गुटियानी में। फ्रेंड्स, भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के तरफ से वैकेंसी निकली है। फ्रेंड्स, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। फ्रेंड्स, इसका मेन हेड क्वार्टर कलकत्ता में है। भारतीय पटसन विभाग होता क्या है फ्रेंड्स? जूट वगैरह जो उत्पादन किया जाता है ना, उसी के रिगार्डिंग इसमें वैकेंसी निकली गई है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है फ्रेंड्स, जो कि इसका हेड क्वार्टर कलकत्ता में है। यह बेसिकली पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के इलाके में जूट की खेती ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका हेड क्वार्टर फ्रेंड्स कोलकाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका नोटिफिकेशन फ्रेंड्स 24/12/2021 को निकल गया था। तो फ्रेंड्स चलिए, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबा देंगे, क्योंकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करेंगे तो नीचे की ओर आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर वैकेंसी का ग्रेड पे अमाउंट दे दिया गया है फ्रेंड्स, कि अकाउंटेंट के लिए आपको 28,600 से 1,15,000 तक पेमेंट मिल सकता है, और जूनियर असिस्टेंट के लिए फ्रेंड्स 21,500 से 86,500 तक आपको पेमेंट मिल सकता है, और जूनियर इंस्पेक्टर के लिए फ्रेंड्स 21,500 से 86,500 तक आपको पेमेंट मिल सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स, अकाउंटेंट के लिए आपको एमकॉम होना अनिवार्य है और 5 साल तक का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप बीकॉम किए हैं तब पर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन आप किए हैं किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड भी इंग्लिश वर्ड में 40 वर्ड प्रति मिनट रखा गया है, तो यह एग्जाम के बाद होगा फ्रेंड्स टाइपिंग, तो आप एग्जाम पहले हो जाए उसके बाद टाइपिंग का तैयारी कर सकते हैं। जूनियर इंस्पेक्टर की बात करें तो फ्रेंड्स, जूनियर इंस्पेक्टर के लिए आप यदि 12th पास किए हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो जूनियर इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज की बात करें तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर होना चाहिए और मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए। और इस तरफ देखेंगे तो फ्रेंड्स, यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसी दे दिया गया है कि किस पोस्ट में, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। नीचे की ओर आएंगे तो फ्रेंड्स, नीचे यहाँ पर कुछ कैटेगरी के लिए एज में छूट भी दिया गया है फ्रेंड्स। ओबीसी के लिए, SC ST, PW, SC ST के लिए, सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर छूट दे दिया गया है फ्रेंड्स। नीचे आएंगे तो नीचे की ओर आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसका वेबसाइट लिंक, जो कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स कि 24 दिसंबर 2021 से इस फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, इस डेट को ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। नीचे की ओर आएंगे तो फ्रेंड्स, नीचे यहां पर दिखाई देगा कि फॉर्म एप्लीकेशन
₹200 रखा गया है। किसी भी कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स फॉर्म एप्लीकेशन मात्र ₹200 रखा गया है। ये एक बड़ी चीज है फ्रेंड्स कि मात्र ₹200 में ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो नीचे आपको यहां पर दिखाई देगा कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा। तो सिलेक्शन फ्रेंड्स सीबीटी बेस्ड एग्जाम के द्वारा होगा फ्रेंड्स। तो आपका इस फॉर्म अप्लाई करने के बाद एक एग्जाम होगा फ्रेंड्स। एग्जाम सीबीटी बेस्ड होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्क नहीं रहेगा फ्रेंड्स। इस एग्जाम में निगेटिव मार्क होगा ही नहीं। नीचे की ओर आएंगे तो फ्रेंड्स यहां पर कैटेगरी वाइज दे दिया गया है कि एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो ₹200 लगेगा फ्रेंड्स। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ₹200 लगेगा। नीचे की ओर आएंगे तो फ्रेंड्स नीचे यहां पर नीचे की ओर आएंगे तो नीचे यहां पर आपको एप्लीकेशन डेट स्टार्ट दिखाई देगा 24/12/2021 को। एप्लीकेशन लास्ट डेट आपको दिखाई देगा 13/1/2022 तक लास्ट डेट रखी गई है फ्रेंड्स। इसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम डेट मेंशन नहीं किया गया है फ्रेंड्स। एग्जाम डेट हो सकता है अप्रैल या तो मार्च तक में हो जाए। उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि सीबीटी एग्जाम में आपका निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो आप इसमें 100 में से 100 रंगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को अच्छी प्रकार से देख लेंगे। उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स।